यूपी की सबसे प्रमुख नदी और उसमें बना ये नया ब्रिज। ये नॉर्थ गुवाहाटी और गुवाहाटी की मेन टाउन इसको जोड़ता है ये पूरा ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत है ये और नीचे बहती ये तो 6:30 बजे शुरू हुआ अपना सफर, कंप्लीट 2 बजे पहुंच गया गुवाहाटी शहर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे प्रमुख जो शहर है गुवाहाटी शहर, वहाँ हम पहुंच गए। सुबह शुरू किया था हमने हासीमारा से और हासीमारा के बाद जो हाईवे पकड़ा तो उसी से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपना प्रमुख शहर, असम का प्रमुख शहर गुवाहाटी में हम अभी 2 बजे पहुँच गए हैं। तो गुवाहाटी का गुवाहाटी का कामाख्या माता मंदिर का दर्शन कर लिया है और जो भी प्रक्रिया अपने मन की शुरुआत लेके आता है हमेशा पूरी होती है। ऐसे ही कामाख्या माता मंदिर का दर्शन करके हम आगे की यात्रा भी हम शुरू कर रहे हैं। तो बोलो कामाख्या माता की। तो चाय पी रहे हैं अभी हम और आज के शाम के चाय की खास बात ये है, क्या है एक मिनट। सुबह की चाय पी थी वेस्ट बंगाल में, दोपहर का खाना खाया असम में और शाम की चाय पी रहे हम मेघालय में। खूबसूरत पहाड़ों में से जाता ये रोड शिलोंग की तरफ। शिलोंग से पहले जो पड़ता है गांव, वहाँ पे हम आए हैं अभी।
शिलोंग अभी भी 5 किलोमीटर है और आखिर के ये 5-6 किलोमीटर बहुत लंबे लगते हैं दोस्तों। जब कोई डेस्टिनेशन नज़दीक आने लगता है और वो आखिर के 5-10 किलोमीटर रह जाते हैं तो वो बहुत लंबा सफ़र लगने लगता है। ऐसा लगता है कब आएगा कब आएगा, क्योंकि सुबह से अभी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत थक गए हैं। तो फाइनली पहुंच गए शिलोंग और शिलोंग में ले लिया है कमरा तुरंत राजस्थानी विश्राम भवन। इस जगह पे हमने कमरा लिया है और एकदम चीप में मिला है। नीचे था वो 500 में था, उसको अटैच बाथरूम टॉयलेट नहीं था, और ये ऊपर ही थोड़ा तो इसको 600 पड़ा हमको, 600 इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और रूम भी काफ़ी बड़ा है, बढ़िया है। और यहाँ शादी के काम या कुछ तो भी कल फंक्शन है, उसका प्रोग्राम चालू है, तो सब बुक है, खाली एक ही रूम बचा था। तो नसीब हमारा अच्छा, कामाख्या माता देवी दर्शन की वजह से अच्छा रूम मिल गया। और नहीं तो शिलोंग में इतना सस्ता रूम मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। 2000-1500 से स्टार्ट है रूम के यहाँ पर। तो अगर आप शिलोंग आए तो शिलोंग मेन सिटी से पहले ही आपको मेन जो हाईवे से आप शिलोंग जाते रहते हो, जो सर्कल लगता है जहाँ एक पुलिस सेंट्रल में खड़ा रहता है, वहाँ से आगे आपको लगेगा राजस्थान विश्राम भवन, तब आप ये बजट में रूम यहाँ अवेलेबल हो तो ले सकते हो। तो ऐसा ही कमरा ले लिया है और बहुत मतलब आज का दिन सबसे ज़्यादा राइड मैंने पूरे इसमें की, कौन से दिन की तो वो आज के दिन की, 33rd day ऑफ माई राइड। आज हमने शुरुआत की थी वेस्ट बंगाल हसीमारा से, बाद में आए गुवाहाटी आसाम, कामाख्या माता का दर्शन लिया, और वो आसाम से फिर आए मेघालय में, और मेघालय में आए द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया शिलोंग, जिसे स्कॉटलैंड इंडिया का जिसे स्कॉटलैंड कहा जाता है, ऐसे ही मेघालय की राजधानी शिलोंग में आए। और शिलोंग में आते ही अपने राजस्थानी भाई का राजस्थानी विश्राम भवन में हमने कमरा लिया है। तो आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग में यही समाप्त कर रहा हूँ। सुबह हसीमारा से स्टार्ट करके आज जो हम आप मैंने जो आपका मेरा जो आपको पूरा सफ़र दिखाया है, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। सफ़र अपना जारी है भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार यात्रा में। 3 देश तो हो गए अपने, म्यांमार की तरफ हम कदम बढ़ा रहे, तो उस कदम में आज हम रुके हैं शिलोंग। कल हमको जाना है डाउकी, उसके बाद इंडिया बांग्ला बॉर्डर है वो देखना है, और उसके आगे हम जाएंगे सिलचर, सिलचर से ऊनाकोटी। तो कल का दिन भी काफ़ी एक्साइटमेंट भरा रहने वाला है। तो आज के लिए कल का दिन शुरू करने के लिए आज आराम करना है, आज सोना है, विश्राम करना है, तो विश्राम करने के लिए रुके राजस्थान विश्राम भवन में। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहे अपना चैनल, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, एंड सब खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।